सारा जी अब्बू। अरे भाई ये मेरी बेटी पहन के जाएगी इंटरव्यू के लिए, देखो जरा। हाँ। तो बहुत अच्छी है। वो ये कितनी प्यारी शर्ट है, ये कब बनाई आपने? रात को ही बनाया, वो देखो वो मैगजीन के डिजाइन जैसे ना है वैसे। हाँ ये यानी कि आप सही रात ये बना रहे थे, मैं कहूँ मशीन के चलने की आवाज आ रही, ये आपने अच्छा नहीं किया। अरे नहीं, वो सही रात को काम इसलिए करना पड़ा कि बेटी को वो डिजाइन पसंद आया था ना, तो बिजली नहीं आ रही थी, वरना जल्दी बन जाता, लेकिन शुक्र है बन गया। मेरे प्यारे से अबू, अबू बस एक दफा ये जॉब मिल जाए ना मुझे, मैं आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने दूंगी, फिर सारी मेहनत मैं करूंगी और आप आराम करेंगे। बिटिया आराम सुकून उस वक्त आएगा जब मैं तुम्हें तुम्हारे घर में खुश व खुर्रम देखूंगा, और ये तुम्हारी जिद की वजह से ये जॉब की इजाजत दे रहा हूँ मैं, वरना बुढ़िया तुम्हारी माँ और मैंने इतने पैसे तो जोड़ ही लिए कि हम इज्जत से रुख्सत तो खरीद सकेंगे तुम्हें। एक बात बताएं आप मुझे, मैं इस घर में अच्छी नहीं लगती ना आपको? हर वक्त आप मुझे इस घर से निकालने की बातें करते रहते हैं। हाँ क्या बात की तुमने, तुमसे ज्यादा कौन पसंद होगा मुझे बताओ? अरे मेरे घर की रौनक हो तुम, ये तुम्हारे कहके जब घुसते ना इस आंगन में तो घर घर बन जाता है मेरा, लेकिन गुड़िया बेटियों को कहाँ सारी उम्र सीने से लगा के रख सकते हैं, एक ना एक दिन तो रुखसत करना पड़ता है ना। काश मैं आपका बेटा होती ना अबू, सारी जिंदगी आपके सीने से लगकर मेहनत करती, आपकी खिदमत करती मैं। बात सुनो, ये क्या बात की तुमने, मेरा मान हो, मेरा फखर हो तुम, बेटी नहीं हो बेटा हो तुम, और ये बेटे आजकल के कहाँ रहते हैं माँ बाप के पास बोलो। हाँ लेकिन मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं सारी जिंदगी आपके साथ रहूंगा, कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, आप जितनी भी मुझे इस घर से निकालने की कोशिश करें मैं इस घर में रहूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ कभी नहीं करते ऐसी बातें, अरे कबूलियत का वक्त होता है वो सुन लेता है। सुने आप काम पे जाने से पहले थोड़ा आराम कर लीजिएगा। सलाम अलैकुम मामू। सलाम अलैकुम मामी जान। वालेकुम अस्सलाम। शिवो जीती रहो। आमीन आमीन। चलो चले, तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हुई हो? हाँ क्यों क्यों मामी जान, मैं ठीक हूँ, मेरी सारे के साथ जाने के लिए सही नहीं है मामू? नहीं नहीं बहुत प्यारी लग रही हो, अल्लाह नजर बद से बचाए तुम्हारे। सारा ने जिक्र ही नहीं किया कि तुम भी जा रही हो। भूल गई होगी, भूल जाती है ना, इंटरव्यू भी है तो टेंशन वगैरह, तो चलो ना देर हो रही है, चलो ख्याल रखिएगा। सबके साथ नहीं बताया नहीं मुझे तुम। सुनो झूठी, मैंने कब कहा था तुम्हें यहाँ कि तुम मेरे साथ जाओगी? वो तुमने कहा तो नहीं था लेकिन लेकिन सारा असल में ना। सारा क्या, तुम अब सारी कहानी मुझ पर डालोगी है ना? अब ऐसा भी नहीं है, वो उसकी ना मेरी दोस्त है ना साइमा, उसकी तबीयत खराब है, वो पूछ रही थी अम्मा ने इजाजत नहीं देनी थी ना, इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ जाने का कहा था। तो ये कहानी है सर, तुम झूठ बोल कर जा रही हो दुरिया, क्या कर रही हो तुम यार? झूठ कौन सा हुआ, तुम्हें बता रही हूँ ना कि झूठ थोड़ी ना हुआ भाई, एक बंदे की तबीयत खराब है बस वो ही पूछने जा रही हूँ, अब इसमें कुछ गलत तो है नहीं है। जारा मैंने उसको कह भी दिया, बुरा लगेगा नहीं गई तो। सुनो मेरी बात, हमारे माँ बाप हम पे भरोसा करके हमें बाहर भेजते हैं ना? मैं किसी का एतबार नहीं तोड़ी, एक दोस्त की तबीयत खराब है सिर्फ यादत के लिए जा रही हूँ बस, भरोसा। अच्छा मूड तो नहीं खराब करो ना मेरी प्यारी बहन। अच्छा मूड नहीं खराब करो तो रही, बात मूड खराब करने की नहीं है यार, दोस्तियाँ क्या माँ बाप से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, खुदा ना खासा फुटबॉल का पता चल गया तो कैसे पता चलेगा? रिक्शा रिक्शा रुकना, जब तुम बताओगी नहीं मैं भी नहीं बताऊंगी। अच्छा मुझे फोन कर लेना ना प्लीज। अच्छा भाई ओके अल्लाह। दुरैया मुझे कॉल करना, हाँ मेरा वेट करना। ओके ओके खुदा जाओ, ख्याल से जाना। अल्लाह हाफिज़।